हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज का जो क्वेश्चंस है, तो बेसिकली आज का क्वेश्चंस है आपका, क्वेश्चंस जो है आईटीजेएम 2018 का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आईटीजेएम 2018 में आया हुआ है, डिफरेंशियल का क्वेश्चंस है। तो देखिए, इस टाइप का आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो मैंने वहाँ पर भी कवर किया हुआ है टॉपिक्स में, और यहाँ पर भी आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर इस टाइप का आता है तो आप कैसे अप्रोच करना है। बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए, हमको इसको कंपेयर कर लेना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू जीरो। सो लाइक दिस, यहाँ से एम की वैल्यू कुछ ये हो जाएगी कि वाई प्लस वन अपान थ्री वाई क्यूब प्लस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, और एन की वैल्यू हो जाएगी अपने पास वन बाई फोर सो एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले चेक करते हैं कि डेल एम अपान डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होना चाहिए। ये एग्जैक्ट की कंडीशन है ना। तो सेम लॉजिक्स लगाते हैं कि जो m है उसको हम पार्शियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और जो n है उसको पार्शियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसका हम पार्शियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो बेसिकली अपने पास क्या आएगा, डेल m अपॉन डेल y विच इज इक्वल टू y का वन हो गया, यहाँ से थ्री वाई स्क्वायर, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, तो ये वाई स्क्वायर मिला। ये कॉन्स्टेंट का काम करेगा, बिकॉज क्योंकि मैं पार्शियल कर रहा हूँ, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ उसको, उस फंक्शंस को छोड़कर, उस वेरिएबल्स को छोड़कर के बाकी के सारे कॉन्स्टेंट रेट होते हैं। इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो आपका इसका पार्शियल डेल एम अपान डेल वाई कुछ ये मिलेगा। अब इसका हमें पार्शियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर लीजिए। तो डेल एन बाई डेल एक्स आप करोगे तो आप देखोगे ये वन बाई फोर तो रहेगा ही रहेगा, इसका आपके पास वन हो जाएगा, और इसका करोगे तो आपके पास बेसिकली एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा। दोनों एग्जैक्ट नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए। जब ये आपस में इक्वल नहीं हुए तब आप क्या लगाओगे, हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ से ऐसा फंक्शन से बनाना है, हमें कुछ इस टाइप से बनाना है, या तो हम इस कुछ इस फार्मूले का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए वो एग्जैक्ट नहीं बनता है तो क्या करेंगे, हमारे पास कुछ ये फार्मूला होता है कि डेल एम अपान डेल एक्स, सॉरी डेल एम अपान डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे अपान में एम करेंगे या फिर एन। तो आप क्या करोगे वो अपने अकॉर्डिंग अपन चेक करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर n करेंगे तो देखिएगा आपके पास इसको हमें बनाना क्या होता है कि डेल एम अपान डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x आना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3 बाई फोर आएगा, है ना, क्या आएगा 3 बाई फोर आएगा, और 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ तो अपना काम हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स का फंक्शंस बन जाएगा। तो हम वहाँ से फार्मूला लगा के इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, आप देखिए, आप वैल्यूज यहाँ पर रखिएगा, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा थ्री बाई फोर और वन प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइडिंग बाई इससे कर दो वन बाई फोर। अन अकेडमी की ओर से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर सी एस आई आर यू जी सी नेट स्टूडेंट के लिए। आपकी बैचेज स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप जाकर के अन अकेडमी की साइट पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शंस पर लिंक है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। बीट द प्राइज हाइक भी स्टार्ट किया जाएगा जल्द ही, ठीक है। और आप अगर हमारा कोड यूज करोगे अजय 05 तो वहाँ से आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, ओके। और x कॉमन कर लो तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, फोर से फोर कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आपको यहाँ से क्या मिल गया, फंक्शंस ऑफ x मिला। तो 3 बाई थ्री यहाँ से मिला, यहाँ से x मिल गया 3 बाई एक्स,
ये क्या है बेसिकली, ये फंक्शंस ऑफ एक्स है। किसका फंक्शंस है? एक्स का फंक्शंस है। तो जब ये एक्स का फंक्शंस आ गया तो फार्मूला होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब आप इसका यूज कर लीजिए, तो ये 3/x आया है, आप रख दीजिए 3/x डीएक्स, तो क्या आएगा ई की पावर 3 1/x डीएक्स इट इज इक्वल टू ई की पावर 3 लॉग एक्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लॉग एक्स क्यूब हो जाएगा, बेस ई करोगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स क्यूब, क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। बट आप कहोगे सर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एम करता तो क्या होता, अब आप सबट्रैक्ट करते, आप एम करते तो यहाँ से आपको ये फंक्शंस ऑफ एक्स नहीं मिलता या फंक्शंस ऑफ वाई भी नहीं मिल पाता। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मुझे लाना है या तो फंक्शंस ऑफ एक्स बन जाए, हम इसमें से किसको सबट्रैक्ट करें और किससे डिवाइड कर दें, हमें यही देखना होगा कि वो फंक्शंस ऑफ एक्स बन जाए या फिर वो फंक्शंस ऑफ वाई बन जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हो गया। तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर था ये थर्ड वाला ऑप्शन से जी करेक्ट था। तो देखिए हमने इसमें कुछ किया नहीं था, सबसे पहले क्या किया, इसको हमने कंपेयर किया या मोर एन निकाला और फिर उसका हमने एग्जैक्ट चेक किया क्या ये एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। तो एग्जैक्ट नहीं हो, हमने देखा जब इसका पार्शियल किया, बी एम का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके सॉरी। तो यहाँ से हमें दिखा कि ये दोनों एग्जैक्ट नहीं है, तो हमने क्या किया, हमें फिर हमारे पास माइंड में ये चलना चाहिए कि हमें या तो इसे फंक्शंस ऑफ एक्स लाना है या फिर फंक्शंस ऑफ वाई लाना है। अगर यहाँ पर फंक्शंस ऑफ वाई आता तो एफ ऑफ वाई डी वाई हो जाता, यहाँ पर एक्स आया तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो हमने चेक किया कि इसमें से अगर मैं इसको सबट्रैक्ट करता हूँ, बड़े में से छोटे को हमने सबट्रैक्ट किया और डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड करूँ, इससे एम से या फिर एन से। तो मैंने देखा कि अगर मैं एन से डिवाइड किया तो ये हमें फंक्शंस ऑफ एक्स दिया, अगर मैं एन से एम से करता तो शायद नहीं देता क्योंकि कुछ कॉमन नहीं हो पाता, तो हो नहीं पाता। तो इसीलिए यहाँ से फंक्शन ऑफ एक्स बना, तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट किया। तो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 1 2 3 2 4 5 5 4 5 6 इन द ग्रुप S6। किस ग्रुप की बात कर रहा है, इन ग्रुप S6 में बात कर रहा है। S6 में कितने एलिमेंट आएंगे, 6 आएंगे, है ना। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जब भी आपके पास ऑर्डर की बात करेगा, ये बेसिकली आपका 2018 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करना होता है अगर इस टाइप का आता है, तो सबसे पहले आप चेक करो क्या ये जो गिवेन है, ये जो एलिमेंट द ऑर्डर ऑफ द जो एलिमेंट गिवेन है, क्या ये डिसजॉइंट है या फिर नहीं है। तो आप देखोगे डिसजॉइंट के लिए एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, बट आप देखोगे तो यहाँ पर 2 है, इसमें भी है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इधर 5 है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। सबसे पहले इसको डिसजॉइंट बनाओ, तो जब आप इसको डिसज्वाइंट बनाओगे तो बेसिकली आप बनाओगे कैसे, मैंने कॉन्सेप्ट में भी बताया है और जिन्होंने नहीं देखा है तो डिटेल आप जाकर के वहाँ पर ग्रुप थ्री में इसको सीख ले। यहाँ से अपना एक क्वेश्चन फिक्स है, मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन वो आपसे चाहे 1 मार्क में पूछ सकता है, ठीक है। तो कैसे आपको करना होता है, सबसे पहले डिसज्वाइंट नहीं है, डिसज्वाइंट बनाने के लिए आप कुछ नहीं गिवेन है, किधर से चलना है तो आप राइट टू लेफ्ट आओ, किधर से राइट से लेफ्ट की ओर चलो। तो कैसे चलेंगे सर, इन S6 में कितने एलिमेंट होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मैं पहले 1 को पिक करता हूँ, तो जब मैं 1 को पिक करूँगा तो इधर से देखते हुए आऊँगा, 1 की इमेज 1, 1 की 1, 1 की इमेज 2, 2 ले लो। कैसे देखा मैंने 1 एस इन S6 में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से एलिमेंट आएंगे। तो मैंने यहाँ से 1 को पिक किया और 1 की इमेज इधर से राइट से लेफ्ट की ओर मैं आना स्टार्ट किया,
ठीक है। तो जब मैं यहाँ से वन की इमेज, देखिए वन इसमें है नहीं, तो वन की इमेज वन नहीं है तो सेल्फ है, तो वन की इमेज वन फिर इसमें आया वन की इमेज वन, यहाँ पर जब मैंने पहुँचा तो वन की इमेज टू, तो वन की टू। अब फिर टू जब आ गया तो टू से स्टार्ट करोगे, फिर इधर से आओगे टू की इमेज टू, टू नहीं है तो टू सेल्फ है, टू की टू, टू की फोर, फोर की फोर, तो टू की फोर, क्लियर। अब फिर क्या करोगे, फोर को लोगे, फोर को लोगे तो क्या आओगे, फोर की इमेज फाइव, फाइव की इमेज देखिए फाइव की इमेज टू, फाइव की टू और टू की थ्री। आप देखिए यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ तक आपको आना पड़ेगा, जो लास्ट में आएगा वही होगा, ध्यान से समझना। फिर से समझाते हैं अपन को, देखिए जैसे मैंने टू को स्टार्ट किया तो टू की टू देखा, टू की फोर देखा, फोर की फोर देखा, तो टू की फोर लिख दिया, फोर से स्टार्ट किया तो फोर की इमेज फाइव, फोर की फाइव इमेज है, फिर फाइव की यहाँ पर देखूंगा कि फाइव की क्या इमेज है, फाइव की टू इमेज है, फिर यहाँ पर देखूंगा टू की क्या इमेज है, तो टू की थ्री इमेज आई, तो यहाँ पर थ्री हो गया। सो क्लियर, चले यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। चले अब थ्री से स्टार्ट करते हैं, तो थ्री इसमें नहीं है, थ्री की थ्री हो गई, थ्री की इसमें भी नहीं, थ्री की थ्री यहाँ है ना, तो थ्री की क्या हो गई, थ्री की वन हो गई, इसको ऊपर रफ कर लो। हाँ देखो थ्री की क्या हो गई, वन हो गई, तो जहाँ से चले थे वही आ गया, तो ब्रैकेट विल बी क्लोज। कौन कौन से एलिमेंट आ गया, वन आ गया, टू आ गया, फोर आ गया, थ्री, फाइव और सिक्स बचा हुआ है, तो फाइव ले लो फिर से सेकंड, फाइव लोगे तो फाइव फिर से इधर से स्टार्ट करोगे, फाइव की इमेज सिक्स और सिक्स की सिक्स, सिक्स की सिक्स, तो फाइव की सिक्स, फिर सिक्स से स्टार्ट करोगे तो सिक्स की इमेज फोर, फोर की इमेज फाइव, फाइव की इमेज फाइव, तो जहाँ से चले वहीं आ गए, तो ब्रैकेट विल बी क्लोज। अब देखिए क्या इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट हो गया, ये डिसजॉइंट आपने इसको बना दिया। जब आपने इसको डिसजॉइंट बना दिया तो मैंने आपको बताया था कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो एलसीएम ऑफ, इसमें कितने एलिमेंट है फोर, इसमें कितने हैं टू, तो दोनों का एलसीएम जो आएगा फोर, तो इसका जो ऑर्डर होगा कितना आएगा, फोर आएगा। आर यू क्लियर, यस या नो, तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।